अंबेडकर नगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिला कारागार में बंद कैदी की भूमिका रहेगी। आपको बता दें कि जेल में बंद कैदी के बनाए गए तिरंगे जेल के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों और घरों में फहराए जाएंगे। आज़ादी के जश्न में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला जेल के कैदी तिरंगा झंडा तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंदियों को 10,000 झंडा बनाने का लक्ष्य मिला है, इसके लिए वो लगातार सिलाई का काम कर रहे हैं। वहीं कैदियों का कहना है कि राष्ट्र ध्वज का निर्माण करने में उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। इसके साथ ही जेल अधीक्षक हर्षिता मिश्रा ने बताया कि करीब 10,000 तिरंगे झंडे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि कैदियों को इस अभियान से जोड़ने का उद्देश्य है कि उनके दिल में देशभक्ति पैदा हो, आने वाले समय में वे अपराध की दुनिया छोड़कर एक आदर्श नागरिक की तरह समाज में जीवन जी सके। इसके साथ ही आगे कहा कि झंडे को तैयार होने के बाद इन्हें बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कारागार में कैदियों से मुलाकात करने पहुँचने वालों को भी एक एक तिरंगा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।